हेलो गाइस, सो स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। सो आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। सो आपने यहाँ पर देखा है कि हमने एक स्टाइलिश मॉड्यूलर किचन मॉडल करना स्टार्टअप किया है। सो आइए इसे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ टेबल की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लूप और प्लेस ऑन कर लेता हूँ, एक लूप में यहाँ पर और प्लेस ऑन कर लेता हूँ। तो वर्टाइसेस में जाता हूँ और ये वर्टाइसेस को स्लाइटली मैं थोड़ा सा नीचे शफल कर लेता हूँ। पॉलीगन्स को सेलेक्ट करता हूँ, उसे मैं स्लाइटली इंसर्ट करता हूँ। एक और इंसर्ट करता हूँ, एक और इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा डबल कर लेता हूँ इस तरह से, और इसे ओके कर लेता हूँ। सो वर्टाइसिस में जाएंगे, थोड़ा अगर आपको एडजस्टमेंट करना तो आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे रिंग कर लेता हूँ। कंट्रोल और क्लिक पॉलीगन पे क्लिक करता हूँ और इसे थोड़ा सा बेवल, हल्का सा बेवल कर सकता हूँ। ये सेम चीज़ हमें रिपीट करनी है यहाँ पर भी, इसे भी यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। सो पॉलीगन्स को क्लिक करते हैं, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा। और एक और बार इंसर्ट करता हूँ और इसे फिर बेवल कर लेता हूँ स्लाइटली, अंदर की वजह से पुश कर लेता हूँ। फिर से इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ रिंग कर लेता हूँ, कंट्रोल एंड क्लिक ऑन द पॉलीगन, और इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा बेवल कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। थोड़ा आपने इसको बेवल दिया। सो इसी तरह से हमें यहाँ पर भी और रिपीटेशंस करने हैं। सो वर्टाइसेस में जाता हूँ, एक और स्विफ्ट लूप में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। सो वर्टाइसेस में जाएंगे और इसको मैं स्लाइटली यहाँ पर थोड़ा शफल कर लेता हूँ। एक साथ भी हम इसके ऊपर पुट ऑन करने तो कर सकते हैं यहाँ पर सेम तरीके से। सो इसके जो फेसेस हैं वो सारे फेसेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले और इसे इंसर्ट करते हैं। और इंसर्ट करने के बाद इसे बेवल कर लेता हूँ अंदर की ओर स्लाइटली और इसे ओके कर लेता हूँ। और इसके बाद इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ हर एक की, ये जो एजेस है वैसे सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद इसे रिंग कर लेता हूँ ऑल्ट आर प्रेस करके, कंट्रोल एंड क्लिक ऑन द पॉलीगन, और यहाँ पर जाकर हल्का सा बेवल दे सकते हैं। और इसे ओके कर, एक बार फाइल सेव कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये डिटेल्स यहाँ पर जनरेट किए, यहाँ पर स्लाइटली इसके जो वर्टाइसेस है उसको मैं स्लाइटली थोड़ा अंदर की ओर शफल अप करता हूँ
टॉप व्यू में जाता हूँ, एक और बॉक्स लेता हूँ यहाँ पर, सो एक और बॉक्स में यहाँ पर रिसॉन कर लेता हूँ, इसे स्लाइटली ऊपर पुश करता हूँ, इसकी जो हाइट है वो थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पर, प्लेस कर लेता हूँ, थोड़ी हाइट इंक्रीज करता हूँ इसकी, और बहुत थोड़ी सी, इसे कन्वर्ट वेजिटेबल पॉली कर लेता हूँ, और इसकी जो एजेस है इसे मैं चैम्फर कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। इसके बाद सेम यहाँ पे जाएंगे, इसे सेलेक्ट करते हैं, और इसे मैं स्लाइटली इंसेक्ट करता हूँ, बट इंसेक्ट करने से पहले एक लूप हम प्लेस करेंगे यहाँ पर, इसे सेलेक्ट करके मैं एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, और इसे बेवल करता हूं सेम एज इट इज, और यहां पर जाएंगे फिर एजेस सेलेक्ट करते हैं, रिंग करता हूं, कंट्रोल क्लिक ऑन द पॉलीगन्स, और इसे बेवल करता हूं बट बाहर की ओर, और इसे ओके कर लेता हूं। अब यहां पर जाएंगे एक बॉक्स लेता हूं, टॉप व्यू में जाता हूं, टॉप व्यू में जाकर एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूं इस तरह से, तो ये आपका टेबल का जो टॉप रहेगा वो यहाँ पर आएगा इस तरह से, थोड़ा सा और इसे ऊपर शफल करेंगे, और इसे मैं इस तरह से प्लेस कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए और कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ, इसकी एजेस सेलेक्ट करके सारी एजेस इसके सेलेक्ट करके इसे मैं यहाँ से चैम्फर दे देता हूँ, इसे ओके कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट कर लेता हूँ, इसे सेलेक्ट करके मैं एक कलर दे देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉल भी हमें क्रिएट करना है, तो बॉल काफी ज्यादा सिंपल है, सो बॉल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जाता हूँ, एक स्पीयर ले लेता हूँ, एक स्पीयर क्रिएट करता हूँ, इसे यहाँ पर ऊपर थोड़ा शफल कर लेता हूँ, सो फ्रंट व्यू में जाएंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, पॉलीगन्स में जाकर हाफ बॉल को डिलीट कर लेता हूँ, इसका बेस जो है वो डिलीट कर लेता हूँ,
और इसकी जो बॉर्डर्स है इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कैप कर लेता हूँ। तो इसे स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर शफल करता हूँ और इसके ऊपर एक मॉडिफायर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड और शेल मॉडिफायर, और इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल ऑनली कर देता हूँ। फाइल एक बार आप सेव एज कर लीजिए तो बेटर रहेगा। तो मैं एक बार ये फाइल को मैं इसे सेव एज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जाकर मैं कुछ स्पीयर ले लेता हूँ, काइंड ऑफ फ्रूट जैसा एक्ट करेगा। तो ये जो स्पीयर रखेंगे वॉट एवर आप इसको यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए और इसके ऊपर FFD आप FFD बॉक्स या फिर FFD सिलेंडर भी यूज कर सकते हैं इसके ऊपर। सो इसको वर्टाइसेस को मैं हल्का सा ऐसे स्केल भी कर सकता हूँ। आपके ऊपर आपको कैसे इसको रीडिफाइन अप कर रहा है वैसे आप इसको रीडिफाइन कर सकते हो। तो कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और थोड़े से सेगमेंट्स इसके कम कर सकता हूँ कि काफी ज्यादा है। कंट्रोल बैक स्पेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट्स बना सकते हैं आप, इसकी डुप्लीकेट्स थोड़ी बहुत आप बना सकते हो। और स्लाइटली मैं इसको एक और कॉपी बना देता हूँ। तो इसे सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में जाता हूँ, मास इफेक्ट्स, रिजिड बॉडी, इसको हम लोग दे सकते हैं, डायनामिक रिजिड बॉडी, एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, रिजिड बॉडी, स्टैटिक रिजिड बॉडी। और इसको मैं यहाँ से इसको ओरिजिनल कर लेता हूँ और ये आप हर एक को सेलेक्ट करके ओरिजिनल कर सकते हो या फिर इसको सारों को सेलेक्ट कर लो आप इस तरह से। एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, सिमुलेशन एंड प्लीज सिमुलेशन। इसे मैं कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, सिमुलेशन स्टेप सिमुलेशन थोड़े बहुत काफी ज्यादा बाहर आ गए, नो प्रॉब्लम। जितने अंदर है उतनी हम लोग रखेंगे, बाकी सबकी कॉपीज बना लेते हैं। इसी के आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो इस तरह से।
यहाँ पर इसे मिरर कर लेता हूँ और यहाँ पर तो फाइल को एक बार फिर सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। तो गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट आउट कीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने किस तरह से इसे स्टार्टअप किया हुआ है यहाँ पर। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो इसका अगला पार्ट मैं कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।